की ऐलान होएगा। सरकार फरमाते ने ऐलान होएगा ओ बंदे उठे खड़े हो जान जिन्हों का अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मा जिन्हों का अजर बाकी है वो बंदे खड़े हो जान। लोग पूछे मेरे मालिक तेरे जिम्मे कितना अजर है, अल्लाह फरमाएगा उस बंदे का अजर मेरे जिम्मे है जिन्हें अल्लाह की रब्बे की रजा वास्ते लोगों को माफ किया सी, जिन्हें माफी दी सी बदला लैण की ताकत दे बावजूद ओदा अजर मेरे जिम्मे है। बंदे बेशुमार खड़े हो जाएंगे, हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, मौला की करना है, अल्लाह फरमाएगा सारे के सारे जन्नत चले जाएंगे। ये माफ करने वाले की फजीलत है, रहम तबीयत दे अंदर आ जाए। रब ते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तीन चौथा फरमान सुनो मोहब्बत नाल जुबान नाल सुनो सुभान अल्लाह। रब ते कायनात ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मेरे सहाबा सुनो अपनी तबीयत दे अंदर मेरी उम्मत नु मैं दस दे के जाना अना फिरौनियत अपनी तबीयत के अंदर जरूर नहीं आन देना। फरमाया सुनो यदि तबीयत के अंदर रहम और माफी मिजाज के अंदर होवे ओदा मकाम की होएगा। फरमाया जेड़ा दुनिया के अंदर मेरे उम्मती दी गलती माफ करे अल्लाह कयामत के दिन उस बंदे दीयां गलतियां माफ फरमाएगा। दुनिया के अंदर माफी देने वाला बनता अपने दिल के अंदर मिजाज के अंदर रहम पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मर्तबा कोई ओहदा कोई मकाम अता कीता है ते फिरौनियत तबीयत दे अंदर ना लाया तबीयत दा यजीद ना बन जा बल्कि तबीयत दा मिजाज दा हुर बन जा। तबीयत दा यजीद अगर जे मिजाज दा बंदा यजीद होवे अल्लाह दी बारगाह च पसंदीदा नहीं है, अल्लाह दी बारगाह च हुर दे मिजाज वाला बंदा पसंद है। फरमाया तू मेरे उम्मती दी गलती माफ कर अल्लाह कयामत दे दिन तेरी गलतियां